एक सवाल अक्सर बार 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 सभी जगह चर्चाओं में आता है कि भारत में जहाँ बुद्ध की फिलॉसफी का उदय हुआ, जहाँ ये उत्पन्न हुई, जहाँ ये डेवलप हुई, जहाँ ये क्रिएट हुई, जहाँ ये जन्मी, जहाँ इसका बर्थ हुआ बुद्ध की फिलॉसफी का, वो फिलॉसफी बुद्ध की भारत में ख़त्म क्यों हो गई और कैसे हो गई? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इसको सब लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं। कुछ जो लिखी हुई किताबें हैं उनके हिसाब से, किताबें जो लिखी जाती हैं वो जो लिखता है वो अपने हिसाब से लिखता है। आपको ये देखना है कि किताब में जो लिखी बात है वो उसके हिसाब से लिखी है, क्या वो सबके हिसाब से ठीक है। बुद्ध के फिलॉसफी के पतन से पहले आपको ये सोचना चाहिए, ये पता करना चाहिए कि भारत में बुद्ध की फिलॉसफी उदय कैसे हुई और लोगों ने इसको अडॉप्ट कैसे किया, लोगों ने इसको माना कैसे और लोग इसमें कैसे रम गए और क्यों उन्हें अच्छी लगी। जबकि बुद्ध की फिलॉसफी के समय और भी फिलॉसफियाँ थीं, और भी दर्शन थे, और भी बातें थीं, और भी चीज़ें वहाँ बताई जाती थीं। फिर बुद्ध की फिलॉसफी को लोगों ने कैसे अंगीकार किया और कैसे वो एक साथ तूफान की तरह बढ़ती चली गई, ख़त्म कैसे हुई, इसका भी पता करेंगे। बुद्ध की फिलॉसफी में जो मेन बात है कि बुद्ध में फिलॉसफी के अंदर में कोई भी बाहरी चीज़ नहीं है, कोई भी अज्ञात चीज़ नहीं है, यानी जितना भी है वो आप स्वयं है, यानी मनुष्य है। मनुष्य पैदा होने से लेकर मनुष्य के ख़त्म होने तक की बुद्ध की फिलॉसफी है। बुद्ध ने बताया कि मनुष्य का जन्म कैसे होता है, जीवों का जन्म कैसे होता है और जीवों की शुरुआत कैसे होती है, और ये भी बताया कि मरने के कारण क्या हैं और मरण कैसे सकता है। और एक कमाल की बात भी है कि आदमी अगर बुद्धत्व प्राप्त कर ले तो वो अपने मरने को रोक भी सकता है और वो मरने को चालू भी कर सकता है। ये खास बात है जो बुद्धत्व लोग होते हैं जो जानते हैं कि अपने उस फाइल को, जो डेथ वाली फाइल है, उसको वो कैसे एलिमिनेट करें या कैसे क्रिएट करें या कैसे एक्टिवेट करें या कैसे सस्पेंड करें, कैसे उसको रोकें, कैसे उसको ख़त्म करें, कैसे उसको पैदा करें या कैसे उसको निलंबित करें, वो जानते थे और वो कर सकते थे। और कोई भी आदमी जो बुद्ध बनता है मनुष्य, वो कर सकता है। बुद्ध का जो फिलॉसफी का उदय भारत में हुआ, तेज़ी से फैली, उसका दूसरा कारण ये रहा कि इसके अंदर कोई चमत्कार नहीं है, इसके अंदर कोई अवतार नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी काल्पनिक चीज़ नहीं है जो लोगों की समझ में ना आती हो। क्योंकि लोग अपनी जो परीक्षणशाला थी, अपनी जो प्रयोगशाला थी, अपनी जो एक्सपेरिमेंटल थी, वो खुद अपनी बॉडी पे करते थे। और इसीलिए बुद्ध ने कहा कि इसको आइए देखिए, ये ऐसी फिलॉसफी है कि आपको तुरंत इससे लाभ होगा और इसका नुकसान आपको पता चलेगा, नुकसान भी और फ़ायदा भी, ये उन्होंने बताया और करके दिखाया। लोगों ने इसको सीखा और लोग इसको अपनाते चले गए क्योंकि ये बिल्कुल अकालिक थी। अभी इसे करेंगे, अभी इसका फ़ायदा है। बड़ी सिंपल सी बात है, कैसे इसका फ़ायदा है, कैसे इसका नुकसान है। अभी आप ये सोचिए कि किसी को गाली देनी है, सोचिए इस बात को। जैसे ही आप मन में ये बात सोचेंगे कि मुझे उसको गाली देनी है, आप देखिए कि आपका मन कैसे हो गया। यानी गाली देने के लिए आपने उसके बारे में सोचा है और मन आपका ख़राब हो गया। आँख बंद कीजिए और देखिए कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं और बड़ा मधुर सोचते हैं तो आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। हालांकि आपके होंठ नहीं खुलते स्माइल के लिए, मगर मन आपका मुस्कुराता है। तो अभी सोचिए अच्छा और अभी फ़ायदा, और अभी सोचिए खराब और अभी नुकसान। ये इतनी कमाल की फिलॉसफी थी, इतने कमाल का दर्शन था, ये इतनी कमाल की नॉलेज थी जो डिस्कवर की, रीडिस्कवर की बुद्ध ने, कि सारे लोग इसको अपनाते चले गए और सुखी होते चले गए। अब इसका नुकसान कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ, इसको ख़त्म कैसे किया गया? बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको ख़त्म करने में बाहरी लोगों का बड़ा हाथ रहा। बाहर से लोग आए, उन्होंने इसको ख़त्म किया, कहते हैं उन्होंने बुद्ध देखा, बुद्ध को बुद्ध बताया और बुद्ध से उन्हें बड़ी एलर्जी थी क्योंकि बुद्ध के नाम पे उनको अंधविश्वास में डाला गया और बुद्ध के नाम पे जो बुद्ध थे यानी जो मूर्तियां थीं उनके नाम पे पैसा लिया गया और उनके उनसे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। इसलिए वो जानकार लोग हो गए, वो चिढ़ गए और उन्हें जहाँ भी जितनी स्टैचू मिली उन्होंने तोड़ दी, मूर्तियाँ तोड़ दी, बुद्ध तोड़ दी, बुद्ध को तोड़ दिया। ये फिलॉसफी बताई जा जाती है, मगर ये फिलॉसफी सरासर झूठ है। ये झूठ इसलिए हैं क्योंकि मूर्तियों का चलन बहुत बाद में हुआ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मूर्ति अगर तोड़ने वाला कोई तोड़ेगा तो उसके लिए तो मूर्ति सब जगह एक सी हैं, चाहे वो बुद्ध की मूर्ति है, चाहे वो जैन की मूर्ति है, चाहे वो किसी की मूर्ति है, उसके लिए तो सब मूर्तियां तोड़नी है और वो सारी मूर्तियां तोड़ेगा। और ख़ास तौर से दिल्ली जैसी राजधानी में अगर वो रहेगा तो वहां तो कम से कम सारे मूर्ति स्थल वाले तोड़ देगा। मगर दिल्ली की राजधानी, जो भारत की राजधानी दिल्ली है, उसके अंदर जो तोड़ने वाले आक्रांता लोग आए उनके बाद भी यहाँ सब चीज़ बिल्कुल ऐसी की ऐसी, यानी कि यहाँ तोड़ फोड़ का कुछ नहीं मिलता और सारी मूर्ति स्थल और सारी मूर्तियाँ यहाँ सेफ हैं ऑलमोस्ट।
तो मूर्तियां बाहर के आक्रांताओं ने नहीं तोड़ी हैं। बेसिकली इसके ख़त्म होने का जो कारण है वो ये है कि इससे अंधविश्वास चला गया, इससे लोगों में ज्ञान हो गया। चाहे आपने अक्षर ज्ञान लिया हो या ज्ञान ना लिया हो, कुछ लोग जो बिना मेहनत के खाने वाले थे, कुछ लोग जो दूसरे को अंधविश्वास में या जो अज्ञानता में खाने वाले थे, कुछ लोग जो देश के दुश्मन थे, जो नहीं चाहते थे कि देश में ज्ञान बढ़े और देश आगे बढ़े, कुछ लोग जो चाहते थे कि अगर ज्ञान प्राप्त हो गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, उन लोगों को परेशानी हुई। उन लोगों ने इसको अपनी पहले इसको सीखा और सीखने के बाद इसमें फिर उन्होंने भाग्य भरोसा अवतार डालने की कोशिश की। फिर उसके बाद में इसके पैरेलल एक चीज़ और खड़ी की और फिर इसका पतन किया। मगर इसका पतन नहीं हुआ, इसका पतन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये श्रीलंका चला गया, ये चीन चला गया, श्रीलंका से ये लाओस चला गया, बर्मा चला गया, आगे कंबोडिया चला गया, उधर चीन से जापान होता हुआ, कोरिया होता हुआ आगे तक चला गया। और जब समुद्र का रास्ता खुला और दूसरी दुनिया का पता चला, जिसे अमेरिका बोलते हैं, तो ये यूरोप से होता हुआ अमेरिका चला गया। और अब तो पूरी दुनिया में इस फिलॉसफी की सब लोग जांच पड़ताल करते हैं और ये मानते हैं कि अगर ह्यूमन सॉफ्टवेयर की कोई फिलॉसफी है, ह्यूमन सॉफ्टवेयर की कोई साइंस है, और अगर ह्यूमन सॉफ्टवेयर के बारे में, ह्यूमन सॉफ्टवेयर का मतलब है माइंड और मन, अगर मन और माइंड के बारे में किसी ने डिकोड किया है, किसी ने अगर खोला है और किसी ने एक एक चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया है कि ह्यूमन कैसे काम करता है और उसकी हार्डवेयर यानी कि उसकी जो बॉडी है वो कैसे काम करती है और कैसे इसमें मैसेज आते हैं, कैसे इसमें वीडियो आते हैं, कैसे इसमें वॉइस ट्रांसफ़र होती है, कैसे इसमें स्मेल आती है, कैसे वो डिजिटल कोड में चेंज होते हैं, ये सारा सिद्धांत बुद्ध ने देखा और इसको प्रत्यय समुत्पाद में बताया। शुरू में जब बुद्ध ने इसको देखा और जाना अपने शरीर में, तो वो थोड़ा सा विचलित हो गए, बोले इतना गूढ़ ज्ञान है, इतना रहस्यमय और इतना जबरदस्त ज्ञान है, क्या लोग समझेंगे अगर मैं समझाऊंगा? तो वो बड़े शांत हुए और शुरू में तो उनको यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने ये पा लिया है कि मेरे एटम कैसे काम करते हैं, मेरी बॉडी में जो एटम हैं और जो क्या बोलते हैं परमाणु और अणु हैं, एटम हैं और इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो कैसे काम करते हैं, यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उनसे ज़्यादा देखने वाला जानने वाला कोई था ही नहीं, पूछते किससे। तो उन्होंने खुद दोबारा चेक किया, तिबारा चेक किया कि अरे हाँ ये बात तो ठीक है, मैंने समझ लिया। तब उन्होंने ये कहा था कि जितनी देर में मैं चुटकी बजाता हूँ, इतनी देर में तो मेरे शरीर के जो परमाणु हैं वो हज़ारों हज़ारों बार ऊपर नीचे होते हैं, यानी कि वो उत्पन्न होते हैं और व्यय होते हैं, उत्पन्न होते हैं व्यय होते हैं, उस समय की पाली भाषा में अप एंड डाउन, यानी तरंगों को अप एंड डाउन कहा, उत्पन्न होना यानी अप और व्यय होना मतलब डाउन होना, ऐसे उन्होंने बताया। तो बुद्ध का जो फिलॉसफी है वो साइंटिफिक है। बुद्ध चले गए और भी लोग आएंगे चले जाएंगे, मगर ये थ्योरी यहाँ एग्जिस्ट करती है, ये प्रैक्टिकल एग्जिस्ट करता है, हर मनुष्य के साथ रहता है, अकालिक है, अभी देखिए अभी इसे प्राप्त कीजिए। इसलिए ये फैल गया और अब तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि अब कंप्यूटर साइंस और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या साइंस जो भी आता है वो सब उसी के आधार पर चलता है। धन्यवाद।